हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। एक्चुअली मैं डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूं, कल आप अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए यहां पर एक क्या दिया रखा है, जेल की इबारत पढ़कर दिए गए सवालत के जवाब दीजिए। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है। और उसी तरह यहाँ पर देखिए जेल के अशार बहवाले यहाँ पर मतैन तशरी कीजिए, ये आपको पढ़ना है और इसकी तशरी आपको करना है। ये इम्पोर्टेंट, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आंसर्स के साथ अपलोड कर देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चंस। देखिए यहाँ से जहांगीर अली खुली कुतुब शाह का पार्टनर क्यों बनना चाहता था। एक है जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आंसर्स के साथ है। देखिए यहाँ पे क्या लहू एक नहीं शायर ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद यहाँ पे अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम के जद्दोजहद से आपको क्या सबक मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जहांगीर अली ने रविंद्र भारती का किस तरह तारीफ़ किया, लिखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक को बतलाने वाले कोई एक वाक्य लिखिए। गीत में वैगल ने किन ख्यालात का इजहार किया, तहरीर कीजिए। कि जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, देखिए उसके बाद यहाँ तक। इसके बाद नजाशी के दरबार में क्या वाक्य पेश आया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए, ये आंसर्स पूरा आपको यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नुजुली वही के यहाँ पर वाक़ात को अपने लफ्ज़ में लिखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पूरे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद ये देखिए सदर मुदरस के नाम में TC की दरख्वास्त, ये लीव लेटर है, यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे समाजी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई जहेज की लानत है, इसको रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश करते हुए मज़मून आपको लिखना है। यहाँ पर ये मज़मून है, देखिए ये मज़मून लिखना है यहाँ तक। उसके बाद पानी की अहमियत पर चंद नारे आपको लिखना है। और इसके अलावा कुछ और भी आपको आंसर्स याद करना है, वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ देखिए। और उसके बाद आप लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करूँगा। यहाँ भी देखिए गोपी चंद नारंग के मुताबिक ज़ुबान का ताल्लुक मज़हब से नहीं बल्कि समाज से होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है। प्रोफेसर स्पांडर्स किस बात पर कलाम साहब को हैरत हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुनव्वर राना के नज़र व नसरान निगारे पर नोट लिखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन से काम सब्र इस्तक़लाल से चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। दूसरों को समझने वाला अक्लमंद होता है, इससे मुतालिक आप क्या राय है आपको लिखना है। यहाँ पे मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफी आज़मी के शायर की खसूसियात आपको लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सबक वतन की खिदमत के अहम निकात बयान कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको लिखना है, यहाँ से मिल जाएगा। गोपी चंद नारंग के इंटरव्यू के अहम निकात क्या है आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये भी आपको लिखना है। उसी तरह नात का खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म औरत में मौजूदा और वलवला पैदा करने वाले बातों का मुताबिक अपने लफ्ज़ों में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शाम के बारे में आप लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ तक ही। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा का क्या खुशखबरी सुनाई और पेशनगोई की कैसे सही साबित हुई, आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जानवरों की अहमियत पर मज़मून लिखिए है, अल्लाह ताला के किन किन नेमतों को झुठलाओगे, इस पर एक पोस्टर आपको तैयार करना है, यहाँ से ये पोस्टर है। उसके बाद अपनी तालीमी सरगर्मियों पर यहाँ पर बने अपने वालिद के नाम एक खत आपको लिखना ही खत है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने आपको याद करना है। इसके अलावा एक और आपको दे देता हूँ कुछ और, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इतने अगर याद करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अफसाना दुरसम मौसम में जुमला कितने किरदार हैं, आप कौन सा किरदार पसंद करते हैं, ये आपको लिखना है। हिंदुस्तान की बड़ाई हमारे खूबियों के, यहाँ पर आपको मनसर है लिखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कश्मीरी लाल जकरिया साफा के अदीब और अफसाने का निगार क्या है, आपको लिखना है। अल्लाह ताला के महबूब बनने के लिए हमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है, क्यों कैसे आपको लिखना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली के अदाबी खिदमत के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे गोपी चंद नारंग ने उर्दू
वालों को क्या मशवरा दिया है आपको लिखना है। शायर हैदराबाद के यहाँ पे बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह शायर यहाँ पे शहद की तारीफ कीजिए आपको लिखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये भी देखिए, गीत खून का रंग के जरिए शायर ने हिंदुस्तान की आवाम को क्या पैगाम देने की कोशिश की है आपको लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर पर कोई वाक्य आपको लिखना है। साद बिन मौज एक के ईमान लाने के वाक्य आपको लिखना है। यहाँ पे अबू तालिब तिजारत के लिए जब शाम जा रहे थे इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सोमिया के बहरा रहब ने क्या कहा आपको लिखना है। ये भी यहाँ पे देखिए, उर्दू अदब में मर्दों के साथ साथ ख्वातिन का भी अहम किरदार है। कोई ख्वातिन अदीब या शायर का तारुफ करते हुए इन पर एक मज़मून आपको लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, समाजी बुराइयों पर एक आपको पर वर्किया तैयार करना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये ऑब्जेक्टिव एक बार चेक कर लेके जाइए ताकि आप आराम से लिख सकें। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। ये ऑब्जेक्टिव एक बार आपको चेक कर लेके जाना है क्या क्या दिया है, ये आराम से आप लिख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। एक है, एक और ऑब्जेक्टिव आपको मैं अपलोड करूंगा ताकि दो ऑब्जेक्टिव आप देख कर जाएंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा और आसानी से आप लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक और मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव, आप देख लेना इसको। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है, ये था माय डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आराम से पढ़ लीजिए, ऑल द बेस्ट।